दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ बस्ती व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्री सुभाष शुक्ला सर। जो भव्य आयोजन रामलीला का होने जा रहा है, इस संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप यहाँ की जनता से एक अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयोजन से जुड़ें और इसका इस कार्यक्रम का आनंद लें। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम। हम चाहते हैं कि आप यहाँ की जनता को एक संदेश दें इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। सी राम उमय सब जग जानी, करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान श्री राम प्रत्येक भारतवासी के जीवन के आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं और कहा जाए तो भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेने के बाद उन्होंने जो मर्यादा का प्रतिमान स्थापित किया, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा और एक आदर्श पिता का उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किया, सनातन धर्म संस्था बस्ती उसी प्रतिमान को पुनः समाज के सामने प्रस्तुत करके बताना चाहती है कि एक राजवंश में जन्म लेने वाले कुमार राम भारत के आदर्श कैसे हुए, विश्व के आदर्श कैसे हुए, भगवान कैसे हुए, उन्होंने क्या किया जिससे कि उनके जीवन काल में उनके रहते ही लोगों ने उनको भगवान मान लिया। एक बालक के रूप में उन्होंने जो लीलाएँ की, एक पुत्र के रूप में उन्होंने जो लीलाएँ की, एक पति के रूप में उन्होंने जो किया, एक राजा के रूप में उन्होंने जो किया, एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने जो किया, इसमें से कोई भी एक हिस्सा अगर हमारा भारत का नागरिक, हमारा भारत का भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी अंगीकार कर ले तो जो राम राज्य की एक कल्पना है, सबसे आदर्श कल्पना इस धरती पर सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए राम राज्य की है। और राम राज्य के लिए राम कैसे तैयार हुए, उन्होंने कब कब क्या करके समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया कि यही अच्छे राजा हो सकते हैं और इनका राज्य ही इस सृष्टि का, इस कालखंड का सर्वोत्तम राज्य होगा। और उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किया उसके बाद से जो सर्वोत्तम कल्पना है व्यवस्था चलाने की, वो राम राज्य की है। कोई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दावा और दम्भ भरता है राम राज्य चलाने का। रामलीला के माध्यम से अभी आपने प्रश्न किया था कि रामलीलाएँ गाँव में होती थी, गाँव में रामलीलाएँ होती तो उस समय गाँव का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता था वो धीरे धीरे करके गांवी राजनीति के नाते से बिगड़ गया और स्थिति ये खड़ी हो गई कि जो गांव के विभिन्न बिरादरी के विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ मंच पर आते थे, छोटी बिरादरी के कलाकार भी अगर आदर्श रोल में हैं तो बड़ी बिरादरी के परिवार के लोग भी उनका पूजन, अर्चन, चरण वंदन करते थे, उसे जाति भाव भेदभाव दूर होता था। लेकिन गांवी जो जाति पात की राजनीति हुई, जो पंचायतों की राजनीति हुई, जब से राजनीति जात की गहराई, उसने गवई रामलीलाओं को खा लिया है। सनातन धर्म संस्था बस्ती एक उल्टी गंगा बहाने का प्रयास कर रहा है। अगर गत वर्ष बहुत शानदार रामलीला हुई और बहुत अच्छा संदेश समाज में गया है, इस वर्ष भी जैसा कि अभी बताया गया कि 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सायं 7:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक लीला का मंचन धनुषधारी पांडे कि जो लीला समिति है अयोध्या की, वो करने वाली है। एक आदर्श पारिवारिक माहौल होगा और हम तो बस्ती के ही नहीं, हमारी ये बात जहाँ तक आपके माध्यम से जा रही है, सभी धर्मानुरागी बंधुओं से निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आइए 17 से राम की वो लीला देखिए जो आप देख भी चुके हैं लेकिन अपनी आगे वाली संतति में आगे नहीं दे पा रहे हैं। तो अपनी संतति को, अपने परिवार को अपने साथ ला करके उन संस्कारों को देखें, समझें और अपनी उस भावी पीढ़ी में वो संस्कार डालें। क्योंकि कितनी भी ऊंचाई पे व्यक्ति आर्थिक तौर पे पहुंच जाए लेकिन अपने संतान से जो उसकी अपेक्षा होती है वो रामायण, रामचरितमानस के पाठ से और रामलीला देखने से ही होगी। इसलिए बस्ती के जनमानस से सभी धर्मानुरागी बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आएँ 17 से, समय से आएँ, सपरिवार आएँ और लीला देखें और उसे जो कुछ भी अच्छाई ग्रहण कर सकते हैं करें। रामलीला आयोजन समिति, जो रामलीला की ये जो रामलीला महोत्सव है इसकी आयोजन समिति है, उसने प्रत्येक दर्शक के लिए एक आदर्श बैठने की व्यवस्था, उनके
जो भी उस समय उस परिसर में अपेक्षित चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था में लगी है, और बस्ती का समाज भी बढ़ चढ़ करके योगदान कर रहा है कि एक लीला कैसे अच्छी हो, कैसे आदर्श ढंग से इसकी प्रस्तुति हो और कैसे समाज को स्वीकार्य हो सके ये लीला और इसके संस्कार, ऐसा प्रयास सनातन धर्म संस्था बस्ती कर रही है। और आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हमको भरोसा है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।